हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का भी ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किए थे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जो भी मेरे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचाए और जल्द से जल्द आप मेरी वीडियो देख लें। दोनों पैरों में जैसे कि ताकत नहीं है, तो क्या मैं नीडल उसमें टोचने से छूने से कितना मुझे पता चलता है क्या नहीं, तो वो इस वीडियो में बताऊंगी। और जो बर्फ है आइस क्यूब, उसको भी टच करके दोनों पैर में कि कहाँ पे कितना मुझे सेंस है और कितना मुझे समझ में नहीं आता है, ताकि मेरे जैसे जो कोई भी है उनको समझ में आए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और कैसे है। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। तो इससे पहले ना मैं थोड़ा कुछ आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ये मुझे कमेंट आया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो एकदम से मैं ना सोचने लगी, अरे हाँ, मेरे लाइफ में मतलब इतने सारे टॉपिक है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट कभी मैं सोचती हूँ करूँ कि नहीं। मेरे दोनों पैर में सेंस बहुत कम है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ और ही कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहले ना मुझे ये सब शेयर करने में बहुत शर्म आती थी, और जब ये हुआ था तब भी मैं मम्मी को बोली, मम्मी किसी को नहीं बोलना, क्योंकि लोग मुझ पर इतना तरस खाते थे और ऑब्वियसली तरस खाएंगे भी, क्योंकि उनके सामने मैं खड़ी थी। मतलब 10th तक मैं एकदम ठीक थी, मतलब मैं अभी बताने जा रही हूँ। जैसे बॉम्बे में 10th का एग्जाम देके गई, उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सबको पता है। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आई लॉस्ट माय लेग एट 15, तो उस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ये मेरे वीडियो के लिंक है इस वीडियो इस टॉपिक पे, कि मैंने मेरे पैरों की ताकत 15 साल के बाद कैसे खो दी, तो आप जरूर देखिए। तो मैं यहाँ से वीडियो मतलब आप वो देख लोगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो उन्हें फिर मेरी कहानी पता चलेगा कि मेरी अभी की कंडीशन क्या है और मैं पहले क्या थी। फिर मैं बॉम्बे से आई, मतलब मेरे पैरों की ताकत चली गई, उसके पहले मैं चलती थी। घर आई, फिर 10th एक साल तो हॉस्पिटल में थी, फिर कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि पैर कब ठीक होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। तो फिर मेरे मामा ने एडमिशन करा दिया, मैं 12th का एग्जाम देने गई, और ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को मना की थी कि किसी को मत बोलो, क्योंकि मुझे ना बुरा लगता था, लोग मुझे इतने मतलब तरस खाते थे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही तब पसंद ना ही अभी पसंद कि कोई मुझे तरस खाए, तरस के नज़रों से देखे। आई नो कि मैं चल नहीं सकती, किसी को भी बुरा लगता है, और जो मुझे पहले देखे हो 15 साल तक, ऑब्वियसली एक लड़की की 15 साल तक उसके मतलब उसमें कितने सपने होते हैं, और सडनली मेरे पैरों की ताकत चले गई। फिर खैर छोड़ो, मैं बोलते बोलते कहाँ चली जाती हूँ। तो एग्जाम हॉल में बैठी, एग्जाम दी, और अभी तो जितना पता चलता है सेंस से, पहले उतना भी सेंस नहीं था। एग्जाम दी पूरा, मतलब मुझे ना थोड़ा थोड़ा ऐसा सेंस होता है कि कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगा पैर ऐसा है, दुख रहा होगा। एग्जाम खत्म हो गया, सब लोग रूम से बाहर चले गए, फिर मम्मी पापा आए, और जैसे कि डेस्क में बैठ के एग्जाम देते हैं डेस्क बेंच में, तो मैंने मेरे दोनों पैर खींच के इस साइड लाई, मतलब अभी हम निकलने वाले हैं, मम्मी गोद पापा मुझे गोद में लेके गाड़ी पे बिठाएंगे। तो जैसे मम्मी ने पैर ऐसे कि मम्मी ने पैर मेरे पंजे पे देखी, जमीन में कैसे बताऊं, वो चेयर पे बैठ गई मैं, क्योंकि मैं नीचे बैठ के मैं दिखा नहीं पा रही थी। तो ये पैर में मैं एक सैंडल पहनी थी, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सैंडल के ऊपर शायद कुछ मीठा बीठा गिर गया होगा। तो जैसे मैंने ऐसा एग्जाम दी टेबल पे, तो दोनों पैर इस साइड मैंने खींच इस साइड बैठ गई, तो मम्मी का नज़र नीचे गया, मतलब मम्मी देखती रहती है। तो जैसे मैंने पैर हिला के रखी, पूरे चींटियां ऐसा उतरने लगी, तो मम्मी बोली तेरे पैर में चींटी, जैसे देखी यहाँ पे इतना सारा वो सैंडल के ऊपर गुच्छा रेड चींटी थी, तो मैंने फट से खोल के फेंकी। और रूम में कोई नहीं थे, मम्मी पापा भैया भी थे, पता नहीं भैया रूम पे थे कि नहीं, बट मुझे याद है मम्मी मुझे देख के मतलब बोले ईश्रे, मतलब वो बंगाल में वर्ड है, मतलब भगवान को भी बोलो और ठाकुर। मम्मी हमेशा मेरी मम्मी बहुत इमोशनल, मम्मी रोने लगी, तो मम्मी को मम्मी जो कुछ मत करो, तो पापा जल्दी रुमाल निकाले और पूरा ऐसा करके पैर को झाड़े। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे मतलब सैंडल ऐसा पैक था यहाँ से, और हमेशा मैं पैक वाला सैंडल पहनती हूँ, यहाँ से पूरा इतना ना चींटियों ने मतलब 2-3 घंटे से पता नहीं
कब से काट रहे थे, छोटे 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 यहाँ पे पूरा छेद छेद हो गया था और पूरा खून था, मतलब ऐसा टपक नहीं रहा था, छेद हो गया था पूरा खून खून। तो पापा जैसे पूछे ना तो देखिए छोटे छोटे काट काट के गड्ढा बना दिए थे छोटे छोटे। मम्मी देखी इतना मतलब रोई थी, आंखों से पानी निकल गया था। तो मैंने उनको चुप करा, मम्मी चुप किसी को मत बोलो प्लीज प्लीज। तो मम्मी तो रोने लगी थी और मैंने उनको चुप कराया, चुप मम्मी किसी को मत बोलो प्लीज मम्मी चुप करो, मतलब मम्मी का आंखों से पानी निकल गया देख के कि कब से मुझे काट रहे और मम्मी पापा कोई नहीं देख पाए। देखो मुझे दर्द पता भी नहीं चला, बट मैं तब देखी कि मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे दर्द पता ही नहीं चल रहा था, मतलब देख के तो मैं भी डर गई थी पूरा, इतना ना इतना पूरा एकदम रेड हो गया था, पूरा गड्ढा गड्ढा गड्ढा, देख के मुझे अजीब लग रहा था, ऐसा नहीं कि कट चुका, पूरा थोड़ा थोड़ा खून 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 देखने में ही कैसा लग रहा था। तो पापा ने फटाफट ना रुमाल से हटाया, पापा ने पानी से तब धो दिए थे क्योंकि बॉटल थी मेरे पास, मुझे इतना याद है। तो मुझे ये वीडियो बनाया ना तो तब मुझे रिक्वेस्ट आया ना तो तब मुझे वो सब याद आया कि हाँ मैं आपसे ये जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए आज अभी मैं टेस्ट करती हूँ नीडल का, है ना। तो चलिए अब मैं नीडल टेस्ट करती हूँ कि मेरे राइट और लेग पैर में नीडल कहाँ कहाँ मुझे मतलब ऐसा टोचने से मुझे पता चलता है। और जैसे कि लेफ्ट पैर में मुझे सेंस बहुत कम है, राइट पैर के अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पे समझो गर्म लग गया इस पैर में, या चाय मतलब जैसे कप का गर्म कुछ लग गया तो मुझे तकलीफ हो रही है, बट मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब मेरा पैर खुद ब खुद ना मतलब हिलने लगता है कि कुछ हुआ है, गर्म लगने दो या मच्छर भी काटे तो इस पैर में, और राइट पैर में मुझे पता चल जाता है। तो चलिए अभी नीडल टेस्ट करती हूँ मुझे कितना दर्द महसूस होता है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अलग सा फील हो रहा है, बट इतना पता है कि कुछ वहां पे हो रहा है। ये गर्म लग रहा है कि सुई टोच रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे पता चल रहा है मां मुझे यहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे सेंस ज्यादा है इतने में, मतलब यहाँ पे अगर कोई मच्छर भी बैठा या कुछ तो मुझे पता चल रहा है कुछ हो रहा है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कभी कभी रात को सोती हूँ ना तो ऐसा कुछ आई थिंक हवा भी लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, तो मैं उठ के देखती हूँ क्या हुआ, चींटी तो नहीं काटा या मच्छर तो नहीं काटा, ऐसा बहुत बार हुआ है लेफ्ट पैर में। तो यहाँ पे मुझे सेंस बहुत कम है, पता चल रहा है कुछ हो रहा है, बट जैसे हाथ में टोचे तो सुई लग रहा है, टच हो रहा है, मुझे पूरा पता चलता है, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे सेंस आता है। यहाँ पे अलग फील है, यहाँ पे अलग फील है और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मुझे एकदम से पता चल रहा है उंगलियों के यहाँ पे कि कुछ हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, बट इस साइड लेना तो इस साइड, यहाँ पे मुझे बहुत कम पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने से एरिया में मुझे कितना डिफरेंट डिफरेंट फील हो रहा है, यहाँ पे अलग और इसके नीचे अलग। तो मैं जब हॉस्पिटल में थी मुझे डॉक्टर रोज चेक करते थे, तो मेरे उंगलियों को पकड़ के बोलते थे मैं कौन से मतलब किस उंगलियों को छुए हैं पैरों को, मुझे अभी भी याद है। तो चलिए ये मैंने मेरे नी तक में आपसे शेयर की, यहाँ पे भी वैसा है, यहाँ पे जैसा फील है यहाँ पे भी वैसा है, बट यहाँ पे अलग फील हो रहा है, बट यहाँ पे अलग फील है और यहाँ पे अलग है, मतलब पैरों में लग रहा है वो खुद ही खुद, मतलब दर्द हुआ तो खुद से वो पैर हिलने लगता है। देखिए यहाँ पे मैं हाथ में जितना ही मैं जोर से कर रही हूँ तो उतना ही जोर से मैं पैरों में ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जोर से कर रही हूँ। तो ये है मेरे लेफ्ट पैर का नीडल टेस्ट, हर जगह पे अलग सेंस है। अब राइट पैर का देखते हैं, इस पैर में सेंस मुझे ज्यादा है लेफ्ट पैर के अकॉर्डिंग, जैसे कि उस पैर की उंगलियां हिला सकती हूँ, इस पैर में मैं बिल्कुल भी नहीं हिला सकती। और हाँ कभी कभार मैं सोती हूँ ना एक्सरसाइज किए तो उसके बाद ना
मैं इस डो को थोड़ा थोड़ा ऐसा हिला सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं हिला नहीं सकती। तो मैं इस साइड से ना ज्यादा दुख रहा है, तो मैं उल्टे साइड से कर रही हूँ। इस पैर में सैंड ज्यादा है, हाँ, मगर यहाँ के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। राइट पैर में सैंड ज्यादा है, इसमें मुझे पूरे अच्छे से पता चल रहा है। मैं आंख बंद करके भी बोल सकती हूँ यहाँ पे है वहां पे। तो इस पैर में मुझे पता चल रहा है, तो मेरी एड़ी में सैंड ज्यादा है पैरों के अकॉर्डिंग। बट लेफ्ट पैर में सेंस, मगर मेरे लेफ्ट पैर में सेंस बहुत कम है। मगर तो चलिए ये नीडल टेस्ट हो गया। मैं ऊपर नहीं बता रही हूँ थाई पे, यहाँ पे भी कमी है, राइट पैर में थोड़ा ज्यादा है, तो मैं नी तक बताई हूँ। तो चलिए अब मैं आइस क्यूब लाती हूँ, आइस क्यूब से देखती हूँ। तो चलिए अब मैं आइस क्यूब टेस्ट करती हूँ मेरे पैरों में ठंडा कितना पता चलता है। और मैंने यहाँ पे छोटा सा एक टॉवल रखी, नहीं तो आइस क्यूब का पानी गिरने लगेगा। ये देखिए आइस क्यूब, फ्रेंड्स मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये ठंडा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आइस है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये ठंडा लग रहा है। मेरी उंगलियां ठंडी हो गई, ठंडी मेरी उंगलियां ठंडी लग रही है, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। और बट यहाँ पे ना मुझे, बट यहाँ पे ले रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, बट ठंडा है ये मुझे नहीं पता चल। बट यहाँ पे इसके पंजे पे जितना मुझे पता चल रहा है कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि कोई मेरे पैरों में बर्फ लगा रहे, कुछ भी फील नहीं है, आप समझ सकते हो कुछ भी नहीं। ये देखिए बर्फ खत्म होने आया, मेरे यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं है फ्रेंड्स। मैंने इतने दिनों से ना, सच बोलूं इतने कितने साल हो गया, मैंने आइस क्यूब से मैंने कभी ऐसा मैंने मतलब टेस्ट नहीं की कि मेरे पैरों में अभी कितना सेंस आया है। तो जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट किए, थैंक यू सो मच। आई नो कि ये मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है कि इतने सालों में मेरे पैरों में कोई भी इम्प्रूव नहीं हुआ, पैर पूरा ठंडा हो चुका है, बट मुझे कुछ पता नहीं चला। एक आइस क्यूब देखे मैंने की तो गायब हो गया, मैं और एक ले ली। तो मम्मी से मैंने आइस क्यूब मांगी, तो मम्मी ने ट्रे ला के दे दिया। ये देखिए इतना बड़ा आइस क्यूब, और मेरा पैर यहाँ पे पूरा ठंडा हो गया, बट मुझे कोई भी सेंस नहीं है। और मैं ऐसे वीडियोस में बहुत कम बनाती हूँ, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। खैर मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है तो है, मैं ऐसी हूँ, मेरे पैर दोनों खराब हैं तो है। बट हाँ मेरे पैरों के नीचे ना थोड़ा थोड़ा मुझे पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, बट आइस क्यूब से ना नीडल मुझे ज़्यादा समझ में आया कि हाँ कुछ हो रहा है। बट यहाँ पे मैं आइस से कर रही हूँ ना फ्रेंड, यू डोंट बिलीव, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, बट ये ठंडा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। सो सैड ना, मुझे भी सच में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कई सालों से मैंने ये टेस्ट नहीं की खुद की। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कमेंट किए, और मैं उनका कमेंट यहाँ पे शो कर दूंगी। मेरे लिए अच्छी बात तो नहीं है, बट हाँ पता चला कि मैं कितनी, मेरे पैर कितने खराब है। तो चलिए अभी राइट पैर देखती हूँ। इस पैर में पता चल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ठंडा लग रहा है। मैं बोली ना कि राइट लेग में मेरे ठंडा गर्म दोनों पता चलता है, इसमें पता चल रहा है, 100% फील पता नहीं चल रहा है, आप समझ सकते हो। आई थिंक 40% मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे ठंडा लग रहा है, मगर यहाँ से ज्यादा मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ठंडा है इस साइड में।
देखिए बर्फ कम हो गया। इसमें पता चल रहा है यहाँ पे कितना ठंडा मेरे पैर में लगा रहे, मगर कितना ठंडा है उतना पूरा पता नहीं है, बट हाँ अच्छे से पता चल रहा है कि पैरों में ठंडा कुछ लग रहा है, मगर जैसे उंगलियों में जैसा ठंडा हो चुका है उतना पूरा फील नहीं है, बट हाँ ये देखिए मैं अभी पैरों के नीचे कर रही हूँ, आसानी से पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि ठंडा है, बट हाँ 40% मैं नहीं बोलूँगी कि 50%, शायद 40-50% मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि ये 100 में से कितना पता चल रहा है, बट 40% पता चल रहा है कि हाँ ये ठंडा है, बट हाँ यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठंडा मुझे यहाँ और यहाँ पे ज्यादा फील हो रहा है कि ये ठंडा है, यहाँ से भी ज्यादा, यहाँ से ज्यादा यहाँ पे ज्यादा पता चल रहा है, यहाँ पे भी सेम है। सो फ्रेंड ये है मेरे अभी की कंडीशन, इतने सालों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो आपने कमेंट किए थे इसलिए मैंने इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया, और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कितनी मेरे पैरों में प्रोग्रेस हुआ है, कितना इम्प्रूव हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ जो मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो उससे थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, बट पता चल चुका है कि मेरे पैर शायद मैं कभी चल नहीं पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती कि मेरे पैरों में अब ताकत नहीं आएगी, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने सालों से मैंने भी आइस क्यूब से मैंने टेस्ट नहीं की कि मेरे पैरों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि इस टॉपिक पे मैं आपसे शेयर करूँ, तो अगर आपको मुझसे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए एक शेयर, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सब लोग बहुत अच्छे रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।